सिवनीमालवा विधानसभा क्षेत्र में सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य के साथ आने वाली मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा एवं विधानसभा सम्मेलन को लेकर मिलटदेव में संभागीय संगठन मंत्री श्याम महाजन एवं विधायक सरताज सिंह की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई थी। मीडिया प्रभारी नरहरि पटेल ने बताया कि बैठक में भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री श्याम महाजन के द्वारा मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा के अंतर्गत आयोजित होने वाले विधानसभा सम्मेलन के संयोजक के रूप में शंभु सिंह भाटी को जहां सभी भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की सहमति से संयोजक बनाया गया, वहीं विधानसभा के वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारियों को भी इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसमें प्रमुख रूप से रितेश जैन, राममोहन राजपूत, मगेन्द्र मंडलोई, राजेंद्र जैन, प्रीति शुक्ला, सुधीर गौर, रामेश्वर पटेल, देवीदयाल यादव, वीरेंद्र मिश्रा, प्रीतम बुंदेला, अजीत मंडलोई, अरविंद चौरोत, लखन राय, राजेश गुरु, राजेंद्र पालीवाल, कैलाश पटेल सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई। हाँ, ये जो आज आपने कॉन्फ्रेंस रखी है किस बात को लेकर? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जन आशीर्वाद यात्रा जो आ रही है, कि हमने विगत 5 वर्षों में या 4 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार काम किए हैं, उनको हम लोगों को जमीन पे लाना है, दिखाना है। इस यात्रा का मकसद है कि हमारी जो आने वाले समय में जो हमारे चुनाव हैं उनको लेकर भी हम लोगों की तैयारी समझे। हमारे जितने भी जो मतदान केंद्र हैं उनके मंडल अध्यक्ष हुए, चाहे पालक संयोजक हुए, सारे लोगों को लेकर हम लोगों को की टीम एक यहाँ पर शामिल होगी और हर विधानसभा में एक बड़ा सम्मेलन रखा गया। उस सम्मेलन के साथ साथ युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, किसान मोर्चा है, हमारे जितने भी भाजपा के वरिष्ठ लोग हैं उन सबको लोगों के साथ इस सम्मेलन के माध्यम से हम बैठना चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ये संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले समय में भी हमारी आगे क्या रणनीति हो और सब लोगों के प्रयास से, आप लोगों के प्रयास से इस कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील भी करते हैं और आप लोगों का भी सहयोग चाहते हैं ताकि ये कार्यक्रम सफल। इस कार्यक्रम को के निमित्त आपको विधानसभा का संयोजक बनाया, तो कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपने भविष्य में या कार्यक्रम के आने के दौरान क्या रणनीति बनाई है, उसको आप कैसे सफल बनाएंगे, कुछ योजना? कार्यक्रम में मुझे अगर एक दायित्व दिया है तो पार्टी का भी और संगठन का धन्यवाद देना चाहता हूँ, तो मुझ पर भरोसा किया और हमारी जो वरिष्ठ टीम बनी है 15 से 20 लोगों की जो अन्य समितियाँ बनी है उन सब समितियों से बैठ कर चर्चा कर मिलकर पूरे वरिष्ठ जनों को साथ लेकर, युवा साथियों को लेकर, सारे समुदाय को साथ में लेकर हम इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे ताकि ये कार्यक्रम हमारा अच्छे से माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम सफल होगा।